नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से। शीत ऋतु आते ही जिला फिरोजाबाद के जिला अधिकारी रवि रंजन ने असहाय गरीब के सहारा जरूरतमंद लोगों को वितरण की कंबल। फिरोजाबाद में स्थित पीडी जैन इंटर कॉलेज में जिला फिरोजाबाद के जिला अधिकारी रवि रंजन SDM सदर महानगर अध्यक्ष ने असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों को अपने हाथों से 1200 कंबल किए गए वितरण। इस शुभ अवसर पर बीजेपी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता भी रहे उपस्थित। असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों को कंबल मिलते ही खिल उठे उनके चेहरे। यह कार्यक्रम विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी शीत ऋतु आरंभ होते ही उत्तर प्रदेश के राहत आयोग के दिशा निर्देशन में सर्दी से बचाव के लिए असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों के लिए इस कार्यक्रम का किया गया आयोजन। उसके साथ ही साथ रात्रि को रैन बसेरा व विभिन्न चौराहों और सड़क के किनारे असहाय बेसहारा जरूरतमंद लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था की गई। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट। के लिए गरीबों को, पात्र व्यक्तियों को कंबल बांटने के लिए हमको कंबल मिले। जैसे ही हमको कंबल मिले हैं, हमने तत्काल डिवीजन इंटर कॉलेज में व्यवस्था किया, जनप्रतिनिधियों से संवाद किया, एक कार्यक्रम बनाया और हमने तुरंत कंबल बांटना। कितने कंबल आज वितरण किए गए? आज 1200 कंबल वितरण किए गए हैं। पात्र व्यक्तियों को राजस्व टीम और जनप्रतिनिधियों की साझा जाँच के बाद में हम लोगों ने वार्ड वार कंबलों का वितरण किया है। प्रत्येक वार्ड से लोग बुलाए गए हैं, कोई वार्ड न छूटा है, सब वार्डों का समान रूप से उनमें वितरित किया गया है। और जब ये कंबल बंट जाएंगे तो हम इसका दूसरा कंबल मंगाएंगे और उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर और कंबल बांटेंगे। थैंक यू। ये कंबल वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया है, किस तरीके का? माननीय योगी जी हम सबके प्रति, जनता के प्रति इतने सजग हैं कि जैसे ही शीतलहर शुरू हुई और उन्होंने तत्काल अपने अधिकारियों से कह करके यहाँ कंबलों की व्यवस्था की, तो लगातार आज लगभग 1200 कंबल आज अपने नगर क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पहले की जो सरकारें थी, जब सर्दी शुरू होती थी उसका बजट पास होता था और गर्मी आ जाती थी, मार्च अप्रैल में जाके कंबल वितरित होती थी। आज माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की जब सरकार आई है, इतनी सजगता है कि जो चीज़ है वो हमें समय से मिल जाए तो उसका उपयोग होता है। उसी के तहत आज स्टेडियम ग्राउंड में कंबल वितरण का कार्यक्रम। कितने दिनों तक कार्यक्रम का आयोजन चलेगा? आज 1200 कंबलों का वितरण हो रहा है, इसके बाद भी जो शेष रह जाएंगे एक हफ्ते में फिर उनके लिए।